अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने टाइटल में देखे रहेंगे, मेरे इन लॉज आने वाले, जैन के दादा दादी आने वाले मुंबई से, और हम लोग उनको 7-8 महीने के बाद मिलने वाले हैं। तो मैंने सोचा था मैं है ना थोड़ा मील प्रिपरेशन करती हूँ एटलीस्ट 1 वीक का, और अदरक लहसुन का पेस्ट तो हम ज़्यादा भी बना सकते, तो मैं वो हिसाब से गई थी मार्केट, लेकिन मुझे इतना कुछ मिला नहीं। और हुआ क्या, मुझे वेजिटेबल्स भी लेने थे, मतलब लीफी वेजिटेबल। मैं सोची थी मैं क्लीन करके रख दूँगी, लेकिन ये मैंने कुरमुरे का पैकेट लाया, उसकी मैं भेल बनाऊँगी इंशाल्लाह, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे फ्रोज़न मटर पे ऑफ़र मिला एक पैक फ्री, तो वो भी ख़त्म हुए थे, वो भी लेकर आई। जैन के फ्रेंच फ्राइज़ ख़त्म हो गए थे, और मेरा ना अदरक लहसुन का पेस्ट मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था, तो मैं सोची थी मैं ज़्यादा लेकर आऊँगी अदरक, लेकिन अदरक महंगा भी हो गया है और मतलब अच्छा भी नहीं है, ख़राब अदरक है, मतलब सब खड्डे वाला, उसमें तो कीड़े ही निकलने वाले, तो मैंने वो लिए नहीं। तो फिर जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर वगैरह जो खाना बनाने में नेसेसरी है, वो सारी चीज़ें मुझे मिली, सलाद की चीज़ें मिली, और जैसा प्लान किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बाकी भी चीज़ें मतलब तैयारी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी, तो जो भी चीज़ें मैंने मार्केट से लाई हूँ मैं रख रही हूँ अच्छे से। तो अभी मैंने सोचा है बिग बास्केट से मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया है जिंजर वगैरह, अभी देखते वो कैसा आता है। मैंने जो वेजिटेबल्स लाने का प्लान किया था वो मुझे मिले नहीं, मैं कुछ और ही लेकर आई, करी लीव्स लेकर आई। फिर ये लौकी मिली मुझे, मतलब अच्छी थी, छोटी छोटी, इसके लिए मैं लौकी लेकर आई। फिर ये वाली वेजिटेबल लेकर आई, मतलब जो प्लान नहीं था वो मैं सब लेकर आई, जो प्लान था वो मुझे मिला नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो मेरा सारा फ्रिज जो भी लाया था वो सेट करके हो गया है अच्छे से। उसके बाद अपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखे रहेंगे, एक पीलो की शॉप थी मतलब गद्दे वाली, तो वहाँ से ना हम लोग एक पीलो लेकर आए। एक्चुअली जैन के दादू है ना, वो उनको ऐसा बड़ा वाला पीलो लगता है, और वो कैसा, वो कपास वाला उनको पसंद है, मतलब एकदम सॉफ्ट वाला उनको नहीं अच्छा लगता, तो उनका कैसे पीलो अलग ही रहता है, मतलब बॉम्बे में भी अलग, फिर गाँव में भी हम लोग जाते तो उनका पीलो अलग है। तो मैं बोली अभी यहाँ पर भी मैं ख़रीद ही लेती हूँ, क्योंकि वो लोग 1 मंथ के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की बात है। तो फिर वो पीलो वहाँ से हम लोग लेकर आए, फिर अभी वो लोग कल आने वाले हैं, तो आज मैंने बेड पे न्यू वाला बेडशीट डाल दिया, मतलब धोया हुआ अच्छे से। और जैन के दादी जो सॉफ्ट पीलो यूज़ करते वो ऑलरेडी घर में है, तो फिर मैंने क्या किया ना, ये बेडरूम में वही वो लोग ही सोएंगे, तो मैंने पूरा डस्टिंग वगैरह कर लिया, मतलब यूजुअली तो हम करते ही है, लेकिन अभी कल आने वाले हैं ना तो इसके लिए। और ये वाले कबर्ड में मैं उनके लिए स्पेस कर रही हूँ, ये कबर्ड में ज़्यादा कुछ सामान है ही नहीं, सब खाली बॉक्स वगैरह मैंने ऐसे ही सामान रखने के हिसाब से रखी थी पैम्पर्स के। तो बीच वाला शेल्फ, ऊपर का शेल्फ तो पूरा खाली है, यहाँ पे कपड़े सलमान हैंग करते रीयूज़ होने वाले, तो फिर ये मैं अच्छे से बेबी वाइप से क्लीन करूँ, बेबी वाइप से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है चीज़ें। तो देखो उनके लिए यहाँ पे जगह भी मैंने कर दी हो, ऊपर तो पूरा खाली है, नीचे का एक स्पेसिफिक मैंने खाली कर दिया है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, मतलब इतना चिल्ड हो गया है, और मेरे ना बहुत सारे कपड़े मतलब वॉश करने के थे, न्यू वाले जो हाँ अपन हैंड वॉश ही करने पड़ते, वो सारे ईद का ड्रेस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग थी, वो मैंने सारे कंप्लीट किए वो लोग आने से पहले। मैं बोली वो लोग आएंगे तो फिर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मैं थोड़े काम से फ्री हो जाऊँगी। तो और फिर अभी हम लोग 2 जने, तो 2 ही जा नमाज़े घर में नमाज़ के लिए, तो अभी मम्मी डैडी भी नमाज़ पढ़ते माशाल्लाह टाइम पे, तो फिर मैंने एक जा नमाज़ निकाली नया। और ये जा नमाज़ ना सलमान कुछ काम से सऊदी गए थे, तो उनको माशाल्लाह उमरा करने का मौका मिला था, तब भी वो उमरा करके ये वाला जा नमाज़ लेकर आए थे, मतलब और भी है तो मैंने ये वाला यूज़ करने के लिए निकाल दी, तो जा नमाज़ भी मेरा रेडी हो गया उनकी नमाज़ के लिए। तो उसके बाद अभी जगह करनी है उनके शूज़ के लिए, तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, ये 2 रैक है ना, मतलब वो मेरे ही मतलब न्यू वाले चप्पल है जो मैंने पहनी ही नहीं हूँ, तो मैंने निकाली, वो मैं अंदर कबर्ड में वगैरह किधर भी एडजस्ट कर लूँगी, तो वो ये 2 वाले शेल्फ है ना मैंने उनके लिए खाली कर दी हूँ। तो अभी शू रैक के लिए भी जगह हो गई, और अभी मेरा मतलब छोटी छोटी चीज़ें, वैसे कि मैंने बहुत सारा मतलब घर में क्लीनिंग वगैरह भी मैंने बहुत सारा किया है। देखो क्लीन तो घर रहता ही, लेकिन कोई आता है तो हमें और ऐसा दिल करता है ना कि घर और अच्छे से क्लीन रहे। और अभी सलमान तो गए हैं वो लोग को लाने के लिए, अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी 6 बजे, तो यहाँ से 3 बजे ही निकल गई क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ यहाँ पर। तो सलमान का छोटा सा क्लिप मैंने जाते टाइम शूट किया था, आई होप आपको मेरा प्रिपरेशन अच्छा लगा रहेगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में मेरे इन लॉज के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।